गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास सिक्स SST रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या है, देखो, द बिसाइड रोटेशन ऑफ इट एक्सिस द अर्थ मूव अराउंड द सन ऑन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ इच कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ सन के चारों तरफ उसकी इलेप्टिकल एक्सिस पे जो घूमता है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस इलेप्टिकल ऑर्बिट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ चेंज फ्रिक्वेंटली। जो सन एंड अर्थ का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। द नियरर द सन द फास्टर इज स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब सन के पास अर्थ आ जाता है तब उसका स्पीड क्या होता है, फास्टर थोड़ा होता है। द अर्थ टेक 365 1/4 डे और 365 6 आवर टू मेक ए कम्प्लीट रिवॉल्यूशन। एक बार सन के चारों तरफ घूमने के लिए उसको 365 1/4 डे और 365 डे 6 आवर लगता है। विल 365 डे मेक ए ईयर। जो 365 को एक तो ईयर मानते हैं और 1/4 डे और 6 आवर एड टू वी मंथ ऑफ फेब्रुआरी एवरी 4 ईयर मेक इट 29 डे होता है। जो 4 वर्ष के बाद जो फेब्रुआरी मंथ में वो जो 6 आवर रह जाता था वो फेब्रुआरी मंथ में ऐड होता है और एवरी 4 ईयर में जो फेब्रुआरी मंथ का डे होता है वो 29 डे होता है। इसको क्या कहते हैं, लीप्स ईयर कहते हैं। इट इज नोन एज द लीप्स ईयर। ये जो 4 बार में एक बार आता है उसको क्या कहते हैं, लीप्स ईयर कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 149 मिलियन स्क्वायर किमी। जो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, 149 मिलियन स्क्वायर किमी। ऑन January 3 द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट द डिस्टेंस ऑफ 147.3 मिलियन किमी। जो June 3 में क्या होता है, अर्थ सन के पास आ जाता है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 147.3 मिलियन किमी होता है। इट सेट टू बी पेरिहिलोन। इसको क्या कहते हैं, जो सन के पास जो अर्थ आ जाता है 3 जनवरी को उसको क्या कहते हैं, पेरिहिलोन कहते हैं। पेरिहिलोन मीन्स, पेरी मीन्स है नियर और हिलोन मीन्स है सन। जो पेरिहिलोन मीन्स सन के पास। उसके बाद द अर्थ इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन 4 जुलाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 152.1 मिलियन किमी। और जब 4 जुलाई हो जाता है तब सन किससे ज़्यादा डिस्टेंस, फार्देस्ट डिस्टेंस में अर्थ रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको एपीहिलोन कहते हैं। एपी मीन्स क्या, मीनिंग ऑफ ए वे, और हिलोन मीन्स सन, तो सन से दूर रहना को एपीहिलोन कहते हैं। उसके आगे रिवॉल्यूशन के वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो, वेराइंग लेंथ ऑफ डे और नाइट ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड। जो रिवॉल्यूशन के वजह से डे और नाइट जो होता है डिफरेंट लैटिट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। और चेंजिंग ऑफ सीजन, जो सीजन का चेंज होता है। वेराइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द डिफरेंट लैटिट्यूड। जो डिफरेंट लैटिट्यूड होता है उसमें डे और नाइट का वेराइंग होता है। द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ के घूमने के, अर्थ अपने चारों तरफ घूमता है और जो रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ घूमता है उसमें बहुत दिस कंबाइंड इफेक्ट, ये दोनों को मिला के डे नाइट में जो वेरिएशन होता है। द हेमिस्फीयर व्हिच इज इंक्लिन टुवर्ड द सन हैज द लॉन्गर डे। जब हेमिस्फीयर में जो सन के तरफ अर्थ आता है तब में डे लॉन्गर होता है एंड द शॉर्टर नाइट, और नाइट शॉर्ट होता है। एंड द हेमिस्फीयर व्हिच इज एवे, जब हेमिस्फीयर से एवे होता है दूर हो जाता है तब शॉर्टर डे होता है एंड लॉन्गर नाइट, नाइट ज़्यादा होता है और डे शॉर्टर होता है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जो पोल में होता है उसमें डे और नाइट ग्रेजुअली इंक्रीज, उसमें इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है जो इक्वेटर के पास और पोल के पास होता है। द एरिया नियर टू द इक्वेटर हैव 12 आवर डे एंड नाइट।
जब इक्वेटर के पास जब सन होता है उसके टाइम पे क्या डे भी 12 आवर और नाइट भी 12 आवर होता है। द मिड लेटीट्यूड है मैक्सिमम वेरिएशन इन द लेंथ, जो मिड लेटीट्यूड होता है उसमें जो डे और नाइट का वेरिएशन ज़्यादा होता है। द पोल रिमेन द डार्कनेस ऑफ 6 मंथ, जो पोल में क्या होता है 6 मंथ अंधेरा रहता है एंड डे लाइट फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ डे लाइट रहता है। जो पोल हो जाता है उसमें 6 मंथ का डार्कनेस होता है और 6 मंथ का डे लाइट होता है। 6 मंथ अंधेरा, 6 मंथ दिन। दिस डिफरेंस इज लेंथ ऑफ द अर्थ एंड नाइट हैव द ग्रेट इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन। ये जो डार्क डिफरेंट लेंथ होता है सन और अर्थ का, तो डे नाइट में इसलिए ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है और इंसान के लाइफ में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद चेंजिंग सीजन, सीजन का कैसे चेंज होता है। द फास्टली द सीजन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर आर द ऑपोजिट टू दैट द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो दोनों अलग अलग साइड पे हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं। द एंगल ऑफ स्ट्रांग सन गोज ऑन इंक्रीज टू आर द पोल। वो जो सन रॉ कैसे आता है, इनका इंक्लिन आता है, ऐसे ऐसे जाता है इंक्लिन, जो समझ लो ये सन, सन से ये जो रॉ जाता है ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। ये सोलर सोलिस्टिक नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर ऐसे जो जाता है वो स्लांट तरीके से उसका जो सन रॉ पड़ता है। दिस मीन्स द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सन, द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सन गोज ऑन चेंजिंग टूवर्ड द पोल। देयर आर 4 सीजन एज पर द 4 मेन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमता है, ये 4 ठो जो दिखाया है उसके हिसाब से 4 ठो मेन सीजन आता है। द समर सोलास्टिक 21 जून, द विंटर सोलास्टिक 22 दिसंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये 21 जून होता है और 22 दिसंबर होता है। ये क्या किस हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। और द ऑपोजिट हैपन इज द साउथर्न हेमिस्फीयर विल द 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर। ये 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर द नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द स्प्रिंग एंड एटम यूनिक्स द सेपरेटली। ये जो साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें स्प्रिंग सीजन और जो एटम सीजन होता है वो एक्सट्रीमली सेपरेटली होता है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।